हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आ वर्कशीट नंबर 3 फॉर साइंस, साइंस वर्कशीट 3 फॉर क्लास 8th, शेड्यूल टू बी डन ऑन 23rd September 2020. स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर नेम, योर टीचर्स नेम एज वेल एज योर रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी. बच्चे, आज आप लोगों को साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करनी है. हम लोगों ने पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा. आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के फंक्शंस में एक ऐसे प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन. नाउ इट इज़ पिंकीज बर्थडे टुडे. ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम द पार्क मार्केट, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडमिक ही रिफ्यूज्ड. हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम. फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा और फ्लोर. अब देखिए, फ्लावर मतलब आटा लिया उन्होंने, मैदे का जो आटा है. यहाँ क्या कहा, अब ये पिंकी का बर्थडे है आज. दादाजी हर बार बर्थडे पे उसके लिए उसके फेवरेट छोले भटूरे मार्केट से लाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना पेंडेमिक है तो उन्होंने मना कर दिया. ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, मैं बाहर से नहीं लाऊंगा. लेकिन उसकी मम्मी ने सोचा कि मैं उसको सरप्राइज़ देती हूँ. उन्होंने खुद उस छोले भटूरे घर पर बनाए, और छोले भटूरे बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, कुछ अमाउंट मतलब थोड़ा सा बेटा मैदा लिया या आटा लिया. शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 pinch ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीडेड इट. उन्होंने कुछ अमाउंट उस आटे में क्या डाली, थोड़ी सी चीनी डाली, 2 pinch यीस्ट पाउडर डाला, और साथ में फिर उसको गूंद दिया. नीडेड इट विद ल्यूक वार्म वाटर. किससे किया, ल्यूक वार्म वाटर से उसको, गुनगुने पानी से उसको आटे को गूंद दिया. सॉफ्ट डो क्या तैयार किया उन्होंने, उन्होंने बेटा सॉफ्ट डो तैयार की, यानी कि जो गूंदा हुआ आटा उसको बोलते हैं सॉफ्ट डो. एंड सॉफ्ट आटा गूंदा, लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 hours, और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, बाहर रख दिया. After few hours, Pinky observed that the dough has risen up in the volume. देखिए पहले क्या था, ये इतना सा था, लेकिन 2 घंटे के बाद देखिए उसकी फ़ोटो खींची गई है, ये उतना इतना बड़ा हो गया. तो क्या हुआ, ये राइज कर गया. क्यों राइज कर गया, ये इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ गया. फ्रॉम दिस डो मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे. पिंकी वॉज हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे. हर डो हैज राइजेज अप. हेयर द डो हैज़ राइजेज अप. यहाँ बेटा जो डो था, ये जो आटा था, ये फूल गया. क्यों, बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज़म. जो यीस्ट प्रेजेंट था, हमने यीस्ट पाउडर डाल के यीस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया उस आटे में. जब वो यीस्ट वहाँ पर दे दिया गया तो क्या हुआ, उसने वहाँ वर्क किया. ल्यूक वार्म वाटर जो डालकर हमने उसको 2 घंटे के लिए बाहर रखा, शुगर और ल्यूक वार्म वाटर ने उसको इनिशिएट किया, और क्या हुआ, वो एक्टिव हो गया और उसने स्टार्ट कर दिया अपना काम रैपिडली एंड रिलीज इस कार्बन डाइऑक्साइड. जब वो वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है वो सांस ले रहा है, एक तरह से कह सकते हो. तो अब देखिए वो मल्टीप्लाई कर रहा है रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड. वो जब वो मल्टीप्लाई करता है तो जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, जो उसके रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन कब है, जब हम सांस ले रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले रहा है एक तरह से. तो अब वहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली. दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइजेस अप. अब वो आटे के अंदर जो गैस है, वो CO2 भी उसी के अंदर एक तरह से फंसी हुई है, उसके अंदर बंद हो गई, क्योंकि आटे को वो आटा इतनी अच्छी तरह से गूंदा हुआ, इतनी लेयर्स है कि उसको वो ब्रेक करके तो बाहर नहीं निकल सकती, उसी के अंदर है. तो उसी के अंदर वो होल्स फॉर्म ऑफ, जैसे आप अगर आटे ब्रेड के देखिए बेटा, ब्रेड कैसी होती है, बीच में आप देखते हैं ना कैसे जाली जाली बन जाती है केक्स में, पेस्ट्रीज में, वो CO2 की वजह से बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनती है. हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी. तो ये सॉफ्ट एंड स्पंजी कैसे बनते हैं, हमारे जो केक्स होते हैं, जो पेस्ट्रीज होती हैं, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने से बन रही है. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम एल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, और जो प्रोसेस है ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया जो हम
शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं, जो चीनी उसको हम अल्कोहल में जब चेंज कर लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है ये। और दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर इन 1857। तो ये जो प्रोसेस है इसको किसने किया था बेटा, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था सबसे पहले लुईस पाश्चर ने। और आप पाश्चराइजेशन जो एक प्रोसेस आपको पता है, पाश्चराइजेशन आपके जो दूध के पैकेट्स आते हैं वो पाश्चर जो मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क जो बोला जाता है, तो वो इसी से ही वो वर्ड जो है वो कॉइन किया गया था, क्योंकि वो भी उन्होंने ही ढूंढा था। और उसके बाद उन्होंने ही, देखिए दूध जब खट्टा होता है फटता है तो पनीर बनता है ना, चीज़ बनता है, तो उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अब देखिए आज की वर्कशीट, आज की वर्कशीट में हमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो हमें एक्सरसाइज करनी है, चेक योरसेल्फ, हमें चेक करना है हमने कितना पढ़ा और क्या समझ आया। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर ही हमें ये आंसर दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर इन 1857। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी फाइव प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ऐसे पांच प्रोडक्ट बताने हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ये पांच यहाँ पर ही हमें दिए हुए हैं। उसके बाद आप चीज़, योगर्ट, ये सब भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो हमने अभी पढ़ा, हमने क्या ऐड किया था उसके अंदर, यीस्ट। अब ये देखिए यीस्ट जो है बेटा, ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये देखिए यहाँ यीस्ट जो था उसका यीस्ट पाउडर डाल के उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर जब उसमें उसने ये यीस्ट है ना, ये आपका था जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। अब देखिए, नेम एनी टू फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अभी आपने जो फाइव लिखे हैं उनमें से आप कोई भी टू लिख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप। अब यहाँ देखिए बेटा, मैंने वही आंसर्स जो आपको अभी उसमें से बताए हैं, हमने उसमें ढूंढे हैं, वही आंसर्स यहाँ लिखे हैं ताकि आप कॉपी में ईजिली कर सकें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, देखिए पहला था फर्मेंटेशन किसे कहते हैं और किसने सबसे पहले इसे ढूंढा। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड द प्रोसेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर इन 1857। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं। तो केक, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये फाइव प्रोडक्ट्स उन्होंने पूछे, हमने ये बता दिए। इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं चीज़ या योगर्ट। तो जो बच्चों को अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये इजी भी थे और सब बच्चों को याद रहेंगे, सब बच्चों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। आप केक और ब्रेड में, सब में, पेस्ट्रीज में जाली जाली जो देखते हो वो इसी प्रोसेस की वजह से होती है वहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्पफुल है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो यीस्ट इज हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसके बाद है बेटा, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स बताने हैं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं ऑफ योर चॉइस, जो आपको पसंद हैं। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए तो फेवरेट उनके केक, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये तीन लिख दिए। आप इसके अलावा कुछ लिखना चाहें या इनमें से कोई दो लिखना चाहें तो आप इसमें से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए बेटा क्या पूछा, एक बार दोबारा आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा उसका प्रोसेस बताना है। हमेशा ये याद रखिए कि क्वेश्चन को आपको दो बार पढ़ के देखना है कि एक्चुअली उसमें क्या पूछा है। व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप। जो डो बना था, जो आटा गूंदा गया था, वो जब गूंदा तो वो फूल क्यों गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, द डो राइज्ड अप बिकॉज, अब ये देखिए आपका ये जो द डो राइज्ड अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो हैड स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली। वो जल्दी से बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था,
रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब वो जो बढ़ रहा था तो उसने उस टाइम पे बढ़ते हुए क्या, वो वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस, सांस ले रहा है अंदर, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर सांस ले रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है वो बाहर से, और दूसरी एयर एनारोबिक रिएक्शन है। लेकिन जो रिएक्शन वो कर रहा है उससे क्या दे रहा है, वो वहाँ वहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो बेटा आटा जो गूंदा हुआ है, टाइट गूंदा हुआ है, इतनी सारी लेयर्स है, और अंदर वो काम जो हो रहा है वो लेयर्स को ब्रेक करके वो बाहर नहीं आई, वो गैस अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जो CO2 होती है उसी की वजह से वो क्या करती है, उसमें जब प्रेशर डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो डो में जाली जाली, दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइजेस अप। वो जब गैस भी आ गई उस आटे के अंदर, वो तो धीरे 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 क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वो और ज़्यादा फूल के और ज़्यादा क्वान्टिटी हो गई, और ये क्या फूलेगा तो क्या ऊपर उभरा, राइज हो गया, फूलने को ही राइजेस अप। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। प्लीज़ रीड द चैप्टर, रीड द कंटेंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। बेटा अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िए, उससे पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, वहाँ जो क्वेश्चंस दिए उन्हें भी सॉल्व कीजिए, उनको भी एक्सप्लेन कीजिए, अपने बुक में फाइंड आउट कीजिए, तब आप और भी अच्छे से इसे कर पाएंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।